नमस्कार प्रणाम गई है जौन समय गौतम सिंह राजपूत। जी हाँ, कल था सोनू सूद, जो इंसान नहीं वाकई में एक भगवान है, उनका कल इवेंट प्रोग्राम पटना में। आप लोगों को पता है तमाम बिहार के कोने कोने से लोग उनसे मिलने उन्हें देखने गए हुए थे। और जो शख्स इस इवेंट को करवा रहा था उनका नाम था विजय लक्ष्मी जी और नरेंद्र जी। जी हाँ, ये इवेंट उन्हीं के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मॉडलिंग के और बहुत सारे वैसे फैशन डिजाइनर को कल प्राइज वितरण करना था। जो प्लान था कि सोनू सूद के हाथों से वो प्राइज वितरण हो, तो वहां पे सोनू सूद जी आए हुए थे, तमाम बिहारवासी वहां गए हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है ना कि वहां पे तमाम बिहारवासियों को, सम्मानित बिहारवासियों को, सम्मानित बिहार के कलाकारों को अपमानित किया गया। ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो चलते हुए। जी हाँ, ये स्क्रीनशॉट आदर्श आनंद के द्वारा वेरीफाइड अकाउंट से छोड़ा हुआ है। जी हाँ, सबसे ज्यादा अगर किसी कलाकार को अपमानित किया गया ना, वो है आदर्श आनंद जी। सभी लोगों को हम एक बात बताना चाहेंगे। जी हाँ, आदर्श आनंद जी जो भागलपुर के रहने वाले भाई हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, श्रीमान एक बात कहना चाहेंगे महाराज, वैसे अगर एक दिग्गज कलाकार को जो एक पहचान और एक छवि उनका पूरे हिंदुस्तान में अलग है, पूरे बिहार में अलग है, पहचान के मोहताज है जी, वेरीफाइड अकाउंट है, कई एक रियलिटी शो में गए हैं जहां जज मिथुन चक्रवर्ती और ना जाने कौन कौन किया है वहां पे। आप लोगों को बताऊं कि उनको इन्वाइट किया गया था, और इनवाइट किया गया होटल में ठहरे हुए थे, और सोनू सूद जब चले गए ना इवेंट हॉल से, उसके बाद तक भी मैंने 10 बजे रात्रि तक उन्हें बुलाया ही नहीं गया। वाह रे इवेंट के ऑर्गेनाइजर, वाह, ऐसे हमारे कलाकार को बुला के अपमानित करना कितना सही है वो आप सब कमेंट में बताइएगा। महाराज सबसे बड़ी बात है कि हम आज पोस्ट छोड़े थे, पोस्ट आपको दिख रहा होगा, ये पोस्ट जानते हैं किस लिए था? ये पोस्ट था ना कि तमाम वैसे लोग जो 1500 1300 1100 और 600 के टिकट लेके गए थे, उनको पता है घंटा को 10 रुपए का पानी भी नहीं दिया गया, और 1500 वाले टिकट में खाना तक व्यवस्था था। ऐसे ही नहीं, लोगों को कुत्ता टाइप का ट्रीट किया गया है। कुत्ता के साथ कैसे ट्रीट होता है आप लोगों को पता है, मैंने घरे कुत्ता आ गया और बिन बुलाया घुस गया तो डंडा और कुछ से भी भगा दिया जाता है बोल के उकरा, तो कुत्ते टाइप का ट्रीट किया गया है श्रीमान वहां तमाम गए लोगों के साथ, किसी एक के साथ नहीं, तमाम गए लोगों के साथ। सब बताने के लिए देखिए, हम थोड़ा देर पहले अपने ऑफिशियल गौतम सिंह राजपूत वाले से पोस्ट किए थे, तो सबसे पहले कि साले ऐसे ऐसे मतलब नाजायज और गंवार और अनपढ़ जाहिल लोग बैठे हुए हैं ना, कि ससुरा हमारा समझे में नहीं आता है कि पढ़ल कितना है और अनपढ़ कितना है। सोनू सूद भैया इंसान ही नहीं, वो एक तरह के भगवान है। जितना वो हमेशा लोगों के लिए, बिहारवासियों के लिए कोरोना काल में किया ना, शायद उतना भगवान भी किसी के साथ नहीं करते होंगे, समझे कि नहीं, हेल्प। तो जी हाँ, आपको बता दे, सोनू सूद भैया को भी पता नहीं होगा कि यहाँ टिकट इकट्ठा करके हमारा बुलाया गया है, और इस प्रकार से तमाम बिहार के सम्मानित लोगों को भी ना अपमानित किया गया वो इवेंट करवा के। और इवेंट करवाने वाले लोग कौन था? विजय लक्ष्मी जी, नरेंद्र जी, ये सब लोग थे इवेंट के कार्यकर्ता। और वहां पे बताया ना कि जितना पहले तो वहां पे कोई राष्ट्रीय चैनल से गया हुआ था नहीं है ना उस प्रकार के, और लोग जो फेसबुकिया पत्रकार लोग भी गया ना, तो कुत्ता टाइप का ट्रीट किया गया है। कहीं एक वीडियो ही नहीं, बड़ी उम्मीद से लोग गया था कि ये करेंगे वो बनाएंगे भैया से मिलेंगे, लेकिन घंटा कहीं कोई मौका ही नहीं दिया गया, कहे कि ट्रीट तो कुत्ता टाइप का करल गया। लगातार जो हमारे पोस्ट पर आके लोग ड्रामेबाजी कर रहे थे ना रे दल्ले की औलादों, तो साले हम सोनू सूद भैया को कुछ भी नहीं बोल रहे थे। पहले कमेंट को अगर बाप ना पढ़ल है तो माए से पढ़वा लो, माए ना पढ़ल है तो मौसी से पढ़वा लो। कमेंट लिखल था कि जो बेइज्जती जानते हो किसको कहते हैं, बेइज्जती किसको कहते हैं, कल के इवेंट में गए हुए लोगों से जो टिकट ले गया था उससे पूछो कि बेइज्जती किसको कहते हैं, ये लिखकर हम पोस्ट किए थे। इन तमाम लोग यहाँ आकर गालियां देने लगे, ये करने लगे। खैर, तू गाली ही देते रह जाओगे बेटा जिंदगी भर, और तुम मौसा इसी हर दिन आके तो उन्हें इन चुतिये के बारे में बताते रह जाएगा। बाकी सबसे ज्यादा अगर कोई आहत है वो शख्स है आदर्श आनंद भाई, कहे कि उनका स्पेशली फोन करके बुलाया गया था, और बुलाने के बाद भी ना 10 बजे रात तक, जब तक सोनू सूद इस इवेंट हॉल से चले नहीं गए, उनको बुलाया ही नहीं गया। फिर बुलाया भी गया तो भैया हमने तो बिहारी हैं, अपन मान सम्मान के साथ थोड़े कोई खेला हुए देंगे, नहीं गया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आनंद जी, बाकी ऐसे चुतियों कार्यक्रम में जाना बंद कर दीजिए आदर्श आनंद। आपका छवि अलग है, आपका पहचान अलग है, और पूरे हिंदुस्तान में आप कोई पहचान के मोहताज नहीं है महाराज। और बीइंग हेल्पर के भी एक भाई वहां गए हुए थे, बहुत लोग नाराज था, नाराज का है ना रहेगा जी, 1500 रुपया दे के गया, VIP टिकट लेके गया, सोचा उम्मीद कर ले था कि खाना मिलेगा, ससुरा 10 रुपये का पानी बॉटल भी नहीं मिला। ऐसे अगर कोई भगवान के बुला के सोनू भैया के जैसे, और तमाम श्रोताओं को, तमाम भगवान के भक्त को अपमानित किया जाता है, तो थू है वैसे प्रोग्राम पे।
बाकी वीडियो को दूर दूर तक शेयर करके बता दीजिए कि इवेंट ऑर्गेनाइजर कैसा था, वहां के सब व्यवस्थापक कैसे थे, और बाकी तो कुत्ता टाइप के व्यवहार करल गया हंसी वाला, लेकिन हंसेंगे नहीं, बाकी तमाम गए हुए भाइयों को कहेंगे ऐसे प्रोग्राम में जाइए हमेशा कुत्ता टाइप का व्यवहार करल जाएगा। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय मगर जय बिहार रहेगा।